आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। और आज भी आपके लिए बहुत सारा अपडेट लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से करिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Realme GT 7 Pro 5G बताया जा रहा है दोस्तों कि दिसंबर के महीने में ये चाइना में अनाउंस हो सकता है और 2025 का स्टार्टिंग में अब बताया जा रहा है कि इंडिया में आने वाला है। वैसे इसका जो है बैटरी और कैमरे का जो स्पेक्स है वो कुछ लीक हो गया है। बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको 6500 mAh की बैटरी मिलने वाला है और 120 वाट की आपको वायर चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 एलीट, जिसको आप 8 जेन 4 ही बोल सकते हो, और IP68 या फिर IP69 का रेटिंग देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1.5 के रेजुलेशन वाला आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा और हाइयर रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट होगा और 6.8 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है और 2000 निट्स का आपको HBM मिलने वाला है। ये पीक ब्राइटनेस नहीं है। बाकी यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि 50 का आपको जो रियर कैमरा मिलेगा और सोनी का सेंसर मिलने वाला है IMX906। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी जो यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा 50 का। 8 का बताया जा रहा है कि अल्ट्रा वाइड होगा और 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। सो ये कुछ स्पैक्स Realme GT 7 Pro 5G के लीक्स हुआ है एंड बताया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में चाइना में जाएगा जैसा कि बताया, और 2025 का स्टार्टिंग में होपफुली आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। बाकी क्या प्राइसिंग पे आने वाला है अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखते हैं, पहले चाइना में लॉन्च हो जाए उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया में किस प्राइस पे आने वाला है। अगला जो अपडेट है दोस्तों ओप्पो की तरफ से आ रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि ओप्पो रेनो 13 प्रो 5G में आपको इस बार मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9300 देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा, बेटर IP रेटिंग आपको मिलने वाला है। अब इसके लीक्स आने शुरू हो गए हैं तो ये फ़ोन होपफुली आपको चाइना में बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। देखते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इसी रेनो 13 सीरीज के रिगार्डिंग तो आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों सैमसंग की तरफ से आ रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि S20 फैन एडिशन जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है या Q3 में आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आने वाला है। डिस्प्ले साइज आपको वही मिलेगा 6.7 इंच का, उसमें जो है चेंजेस नहीं होगा, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का होगा। बट चिपसेट यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगा, मीडियाटेक का जो अभी फ्लैगशिप चिपसेट आया है 9400 वो आपको चिपसेट देखने को मिलने वाला है। बाकी क्या प्राइसिंग पे आएगा अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि S24 FE भी रिसेंटली इंडिया में अनाउंस हुआ है, वो शायद से 60,000 के प्राइस पे अनाउंस हुआ है। तो देखना होगा कि इस चिपसेट के साथ लेकर आते हैं तो क्या प्राइसिंग पर लेकर आते हैं और क्या कुछ खास करते हैं S25 FE से। ये आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा। गूगल दोस्तों पिक्सल 9 प्रो 5G को इंडिया में 17 अक्टूबर को अनाउंस करने वाला है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है एंड अब फ्लिपकार्ट पे इसका पेज लाइव हो चुका है एंड इसमें आपको मिलने वाला है गूगल का टेंसर G4 चिपसेट। जी हाँ, बाकी आपको यहाँ पे एक LTPO OLED डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का आपको प्रोडक्शन मिलने वाला है और 3000 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। बाकी 50 का ट्रिपल रियर कैमरा होगा, OIS के साथ आएगा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा एंड 42 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, 7 साल का आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। जी हाँ, बाकी IP68 रेटिंग के साथ आता है। वैसे बताया जा रहा है दोस्तों कि इंडिया में जो इसका प्राइसिंग है 1,10,000 रुपये से शुरू होने वाला है। जी हाँ, और शायद से जो है 17 अक्टूबर से इसका सेल इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। iQOO 13 5G का प्री बुकिंग चाइना में स्टार्ट हो चुका है एंड हाँ, काफ़ी सारे लीक्स आ रहे हैं कि ये 30 अक्टूबर को चाइना में अनाउंस हो जाएगा और हाँ, बताया जा रहा है कि इंडिया में ये दिसंबर के महीने में आने वाला है, शायद से 5 दिसंबर को इंडिया में ये अनाउंस होने वाला है। अभी ये चाइना में जाएगा इसी महीने 30 अक्टूबर को एंड हाँ, इसमें होगा स्नैपड्रैगन 8 इलीट, जिसको आप 8 जेन 4 ही बोल सकते हो। बाकी 2K रेजुलेशन वाला आपको एक फ्लैट AMOLED डिस्प्ले मिलेगा और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, LPDDR5X RAM और UFS 4.0 का सपोर्ट मिलने वाला है। 50 का आपको ट्रिपल रियर कैमरा होगा, सोनी IMX921 सेंसर मिलेगा, 50 का आपको यहाँ पे जो है टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा एंड आप 50 का बताया जा रहा है कि अल्ट्रा वाइड भी होगा। बाकी आपको 6100 mAh की बैटरी होगी, 120 वाट की आपको वायर चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और IP68 रेटिंग के साथ आने वाला है। वैसे इसका जो प्राइसिंग है इंडिया वो लीक हो गया है, बताया जा रहा है कि इंडिया में ये अराउंड जो है 55,000 के आसपास में ये आ सकता है। जी हाँ,
देखते हैं, बताया तो जा रहा है कि दिसंबर के महीने में 5 तारीख को ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और इसी महीने ये फ़ोन 30 अक्टूबर को शायद से चाइना में लॉन्च हो जाएगा क्योंकि इसका प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फाइनली Realme P1 Speed 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है। दो वेरिएंट में आता है, 8GB 128GB 18,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है और एक 12GB 256 के साथ आता है 21,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है। 2,000 रुपये आपको कार्ड डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो इफेक्टिव जो प्राइस है 16,000 से शुरू होता है एंड इसमें आपको MediaTek का Dimensity 7300 एनर्जी वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। बाकी आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, 45W का चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। 50 का आपको डुअल रियर कैमरा दिया गया, 16 का आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। बाकी आपको 120Hz AMOLED डिस्प्ले आपको मिलता है, एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, डुअल स्पीकर आपको दिया गया है। बाकी आप बताइए फ्रेंड्स कि आपको इस फ़ोन का प्राइसिंग कैसा लगा। वैसे Realme P1 का ये जो है सक्सेसर है जी हाँ, बाकी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली Vivo X200 सीरीज चाइना में अनाउंस हो गया है और 3 फोन अनाउंस हुआ है, Vivo X200, X200 Pro, X200 Pro Mini। प्राइजिंग की अगर आपसे बात करूँ तो Vivo X200 का जो प्राइजिंग है वो 51,000 के प्राइस से शुरू होता है चाइना में, और जो Vivo X200 Pro है ये 63,000 के प्राइस से शुरू होता है। Vivo X200 Pro Mini है ये आपको जो है 55,000 के प्राइस से शुरू होता है। एंड हाँ, तीनों ही फ़ोन में आपको MediaTek का Dimensity 9400 देखने को मिलता है। बाकी आपको तीनों ही फ़ोन में जो है AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, 120Hz रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिलता है, 4500 nits का आपको यहाँ पर पीक ब्राइटनेस दिया गया है। Vivo X200 में आपको 50 का ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, 50 का अल्ट्रा वाइड, 50 का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, और जो X200 Pro है इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। बाकी सेम 50 का अल्ट्रा, 50 का आपको टेलीफोटो लेंस दिया गया है। X200 में आपको जो 5800mAh की बैटरी दी गई है, 90W की आपको जो वाइड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। X200 Pro में आपको जो है 6000mAh की बैटरी मिलती है और 90W की आपको यहाँ पे जो वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और 30W का आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। जबकि X200 Pro Mini में आपको 5700mAh की बैटरी दी गई है और 90W का आपको वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और 30W का आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो ये 3 फ़ोन चाइना में अनाउंस हो गया है, आपको इनमें से 2 फ़ोन होपफुली इंडिया में देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा इसी Vivo X200 सीरीज के रिगार्डिंग कि इंडिया में कब तक आने वाला है, क्या प्राइसिंग पे आएगा, तो आने वाले टाइम में आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आप अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाय।